गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं तुलम न्योत्री आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्लब एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात होता क्या है? तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो तेजी से लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं अनुपात होता क्या है। तो आते हैं अनुपात में। पहले अपन पढ़ेंगे अनुपात क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे समानुपात क्या होता है। तो आते हैं अनुपात में। अनुपात होता है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच आपस में जो संबंध होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अनुपात। किन्हीं दो संख्याओं के बीच आपस में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब जरूरी नहीं थी कि संख्या दो हो सकती, संख्या दो से अधिक भी हो सकती, तीन हो सकती, चार हो सकती है, पांच भी हो सकती है। जैसे अब इसको डिनोट कैसे करते हैं अनुपात को, जैसे ए अनुपाते बी इज कॉल्ड रेशियो इफ बोथ नंबर हैज सेम यूनिट। ए इज, ये इनका क्या हो गया, ऐसे इनको डिनोट करते हैं ए अनुपात बी इज कॉल्ड रेशियो इफ बोथ नंबर हैज अ सेम यूनिट। अगर उनकी यूनिट क्या होगी, सेम। मान लेते जैसे क्या बोल रहा है, ए अनुपाते बी, मान लेते जैसे तीन अनुपाते चार दिया है, मान लेते तीन अनुपाते चार किसी पेड़ की ऊंचाई दी गई है। क्या दिया गया है, तीन अनुपाते चार किसी पेड़ की ऊंचाई दी गई है। तो उसमें पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, और दूसरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। फिर इसी में क्या हो सकता है, जो ये 3 मीटर और 4 मीटर है इसी के आगे क्या हो सकता है, ये इसी के मल्टीपल भी हो सकती है ऊंचाई। इसी में अपन 3 का मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, 9 मीटर और 12 मीटर भी इसकी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द नंबर्स, किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू होती है। क्या होती है रेशियो, किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू होती है और क्या होना चाहिए, एचसीएफ, दोनों एचसीएफ नंबर्स का क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब मिनिमम वैल्यू होगी तो एचसीएफ कितना आएगा, ऑटोमेटिक 1 आना चाहिए। और क्या होना चाहिए, किन्हीं भी नंबर के बीच का संबंध क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 3 बातें यहां से समझ में आई। और क्या होना चाहिए, ऐसे डिनोट ऐसे होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे 5 केजी है और 2 लीटर है, क्या अपन इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 5 केजी और 2 लीटर को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, इसको अपन रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसमें है, केजी में है और ये लीटर में है। 5x और 4y को क्या रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे क्या है, ये x है और ये y है। तो सबसे मस्ट क्या है अपन की, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे
ये 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं। इसको किस अनुपात में बांट देते हैं अपन, 3:2 के अनुपात में बांट देते हैं। तो यहां पे रुपए है और दोनों को किस में बांटना, 3:2 के अनुपात में बांट देना। तो टोटल कितने भाग करने, इसके 5 भाग करने, तो एक भाग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500/5। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो इसको कितने मिल जाएंगे, 300 रुपए, और इसको कितने मिल जाएंगे, 200 रुपए। तो दोनों में सेम यूनिट आ रही है, इधर भी रुपए आ रहा है और इधर भी रुपए आ रहा है। तो दोस्तों हमेशा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए उसमें, इस अनुपात में होना चाहिए, ए अनुपात से बी के अनुपात में होना चाहिए, मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3 फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, तीसरा सेम यूनिट होना चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे और पढ़ते हैं, आगे क्या क्या पढ़ना है। अब रेशियो के कुछ और टाइप, जैसे वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या कहते हैं, जैसे अपन का रेशियो हो गया किस फॉर्म में, ए अनुपात है बी, तो वर्गमूलानुपात में सीधे सीधे समझ में आ रहा है उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो इसका क्या कर देंगे अपन लोग, वर्ग कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। जैसे अपन को कोई संख्या दी गई है, जैसे 4:5, अब क्वेश्चन में पूछ लिया इसका वर्ग मूलानुपात करिए, तो अपन क्या करेंगे उस संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16:25। जैसे क्वेश्चन दिया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3:4:5, और इनकी इनकम कितनी दी गई है, 20,000 रुपए। फिर क्या बोलता है, इनकी इनकम का रेशियो किसमें दिया गया है, इनके वर्गमूलानुपात में दिया गया है। इनकम का रेशियो किसमें दिया गया है, वर्गमूलानुपात में दिया गया है। तो आपको किसकी इनकम को फाइंड करना है, ए की इनकम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, वर्गमूलानुपात फाइंड कर लेंगे। तो वर्गमूलानुपात फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9, 16 और 25, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा, 20,000/50, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। जब 1 यूनिट इक्वल टू 400 आ जाएगा, तो एक पार्ट कितना है, 3 पार्ट का वर्गमूलानुपात में है, एक पार्ट कितना वर्गमूलानुपात में है, तो निकाल लीजिए, 400 × 9/50, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 9 = 12। तो एक इनकम कितनी हो जाएगी, 9×4=3600। एक इनकम कितनी हो जाएगी, 9×4=3600, क्योंकि इनकम इनका रेशियो कितना बोल रहा था, इनकम इनके वर्गमूलानुपात के बोल रहा था। फिर दूसरा क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आया, फिर इसी का दूसरा आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट
रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट होता है, वर्ग मूलानुपात। सॉरी दोस्तों, वो वर्गानुपात था जो अभी अपन ने पढ़ा, वो वर्गानुपात था। अब जो पढ़ेंगे वो वर्गानुपात है, जो अभी अपन ने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो वो वर्गानुपात था, अब जो पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट वो वर्ग मूलानुपात होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज था, जो डुप्लीकेट होता है वह वर्गानुपात होता है, जो सब डुप्लीकेट होता है उसको वर्ग मूलानुपात बोलते हैं। वर्ग मूलानुपात में क्या करते हैं, जैसे अपन का रेशियो किसमें दिया, ए अनुपात बी में दिया है, ए अनुपात बी में दिया, वर्ग मूलानुपात में क्या करते हैं अपन, रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी। वर्ग मूलानुपात क्या होता है, ए अनुपात बी, मतलब जैसे रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी, उसका क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है। जैसे 25 और 16 दिया है, 25 और 16 दिया है तो इसका वर्ग सब डुप्लीकेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 25 और रूट ऑफ 16, तो कितना आ जाएगा, 5:4। इसी तरह में तीसरे में आएंगे तो क्या आ जाएगा अपना, ट्रिप्लीकेट रेशियो। एक आ गया ट्रिप्लीकेट, और एक आएगा सब ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब जिसमें अपन घन मूल घन करेंगे और इसमें घन मूल करेंगे। ठीक है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, जैसे ए अनुपात बी दिया, मतलब ए क्यूब और बी क्यूब, इसमें क्या करेंगे, घन अनुपात करेंगे और इसमें घना मूलानुपात। ए क्यूब मतलब जैसे 5 का क्यूब इज टू 6 का क्यूब, कितना आ जाएगा, 125 और 216 और ए इज टू ए क्यूब, ए अनुपात बी इक्वल टू क्या कर देंगे, जैसे 216 और 343, कितना हो जाएगा, 6:7। यहां तक समझ में आया दोस्तों, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता, इनकम में पूछ लेगा, किसी के अनुपात में पूछ लेगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कैसे पूछ लेता। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिप्लीकेट में कैसे करते हैं। ट्रिप्लीकेट का मतलब नहीं है कि सभी में 3 का मल्टीप्लाई करते, नहीं, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है किसी में क्यूब करना है, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब उसका घनमूल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात कैसे, जैसे मतलब 3:4 और 5:6 दिया है, ये आपका दूध हो गया, मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये भी मिल्क हो गया, ये भी वाटर हो गया, ये जब दोनों अनुपात मिलेंगे तो एक तीसरा अनुपात बनेगा, ये दोनों अनुपात मिलेंगे तो तीसरा अनुपात मिलेगा। ये मान लेते ए अनुपात बी हो गया, ये बी अनुपात, ये सी अनुपात डी हो गया, ये दोनों अनुपात मिलेंगे तो तीसरा अनुपात मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस फर्स्ट का इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3:5, 3:5:4:6, कितना हो जाएगा, 15:24, तो 3×15 और 3×8=24, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 5:6। इसको कैसे करेंगे, ए गुणे सी अनुपात बी गुणे डी, ये मिश्रित अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब अगर आते हैं आगे तो उसको आगे और आगे कैसे पढ़ेंगे मिश्रित अनुपात के आगे, चलिए पढ़ते हैं। अब जैसे कोई रेशियो दिया है ए अनुपाते बी इक्वल टू दो अनुपाते तीन और बी अनुपाते सी इक्वल टू दिया है तीन अनुपाते पांच। अब अपन को इसको किस फॉर्म में लाना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी के फॉर्म में लाना है। तो यहां पे मेन रोल किसका, बी का रोल है। यहाँ पे जोड़ कौन रहा है, बी जोड़ रहा है। तो सबसे पहले अपन को बी को देखना है, यहाँ पे बी कॉमन है क्या, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं बी कॉमन। तो यहाँ पे अपन इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दो अनुपाते तीन अनुपाते पांच लिख सकते हैं, अपना रेशियो बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बी कॉमन नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन करके देखते तो कैसे करते, ए अनुपाते बी इक्वल टू टू दो रेशियो तीन और बी अनुपाते सी इक्वल टू छह रेशियो दस, सिक्स रेशियो सेवन लिखिए, ठीक है ना, बी अनुपाते सी इक्वल टू। अब यहां पे इसको ए अनुपाते बी अनुपाते सी के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मेन रोल किसका है, बी का रोल है, बी ही जोड़ रहा है दोनों को। तो बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर टू का मल्टीप्लाई कर दे और इधर वन का मल्टीप्लाई कर दे तो बी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिक्स और सिक्स इज टू सेवन। अब बी बराबर हो गया तो रेशियो कितना हो जाएगा फोर इज टू सिक्स इज टू सेवन। अगर इसको ऐसा नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इधर ए अनुपाते बी लिख दीजिए और इधर बी अनुपाते सी लिख दीजिए। अब जब इधर यहां पे खाली जमीन है तो कब्जा कौन करेगा, कब्जा बगल वाला ही करेगा, इधर भी कब्जा बगल वाला करेगा, बस। तो लिख दीजिए छह दूनी बारह, छह त्रिक अठारह और सात त्रिक इक्कीस। देखिए तीन से कट रहा है, तीन चौके बारह, तीन छक अठारह और तीन सत्ते इक्कीस, सेम चीज आ रही है, चार छह सात और चार छह सात। ये थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी और इसमें आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। इसी तरह चार वाला भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू दोस्तों।